जी, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ दरी संदूक पर। ये वाली दरी मैंने आज है ना बक्सा उतार के झाड़ के बिछाई है, और मुझे ना अवनी के एक जोड़ी कपड़े हैं खरसाओं के, वो निकालने थे। और फिलहाल इसको मैं ना उठा के वापस वहीं रख देती हूँ। थोड़ा सा ना दरी भी झड़ गई, और जो है ये बक्से में तो मैंने कपड़े भी निकाल दिए। थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए थे सेफ में, वो भी मैं इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े थे जो मैंने उठा के रख दिए हैं, और एक दो साड़ी निकाल लिया है कि मेरा येलो कलर का लहंगा है, पहले मैंने किसी की वीडियो की थी तब ये लहंगा आया था, वो भी मैंने निकाल लिया है बाहर कभी कभी वीडियो शूट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने ना दो प्योद बो रखी थी, एक तो इस साइड और दो तीन उधर बोई थी, तो उनमें से एक ही हुई है और यहाँ पे हो रही है ये वाली प्योद। तो इसके आसपास इतना घास हो रहा था बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो बारिश हो जाती है बार बार और घास उग जाता है। जब मैंने ही साफ़ किया था तब से फिर से ऐसे ही हो गया है। अब मेरे बस की नहीं है एकदम इतना सारा चीज़ें करना, थक जाती हूँ। फावड़ा चलाने में बहुत जोर पड़ता है, ऐसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पेट में दिक्कत चल रही है, तो मैं इस वजह से फावड़ा तो नहीं चलाऊँगी, पर जितना है थोड़ा बहुत आसपास की क्यारी थी मैंने बना दी। इसमें पुदीना हो गया अपने आप ही, पता नहीं कहाँ से हुआ है। तो अवनी बोल रही मम्मी आप पुदीना भी फाड़ रहे हो क्या? मैंने कहा पुदीना नहीं फाड़ रही हूँ बेटे, क्यारी साफ़ कर रही हूँ, ये अच्छे से और फैल जाएगा और ये पौधा भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ना एक जोंक निकल आई, वो मैंने पता नहीं ध्यान नहीं दिया, हाथ से इधर उठा के फेंक दिया। अवनी मेरे को बोल रही मम्मी आपने ये जोंक है ना कहाँ से, मतलब ऐसे ही हाथ से उठा के फेंक दिया, आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर इधर एक पौधा इधर बो रखा है, उसकी भी क्यारी सी बनाई है, थोड़ा सा पानी देने के लिए भी हो जाए। एक पेड़ ये है, ये हो गया है, इसको अभी है ना इसको थोड़ा सा इसको भी देखना था, इसके अंदर साफ़ सफाई सी करनी थी, धूल मिट्टी कूड़ा करकट सब भर जाते हैं, तो ये भी साफ़ कर दिया। अभी उसके बाद जो है मैं चौकी पर भर रही हूँ पानी, मुझे अपने नहाने के लिए पानी लगाना है। दरअसल अभी भी इतनी सर्दी लगती है कि मतलब ठंडे पानी में भाई मुझसे अभी भी नहीं नहा जाता, यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। पहले तो मैं नहा लेती थी, अभी जब से मेरी बुखार आया तब से है ना मैं ठंडे पानी में अभी नहीं नहा रही, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर रही। और आज मैंने रेड कपड़े, रेड चुन्नी, रेड जूता पहन के रखा हुआ है, और इस वाले पौधे को भी मैंने ना पानी दे दिया है। अभी मैं कह रही थी ना कि खुशक सा हो रहा है, इसमें क्यारी बनाई है, पानी डाल दिया, मेरे पीछे इसमें किसी ने पानी नहीं दिया, पर मैं आती अपने पौधे वौधे देखने शुरू कर दिए। देखो अपना घर का तो देखना पड़ता है कि भाई पता नहीं कैसे पौधे हो रहे, क्या हाल हो रहा घर में, कौन सी चीज़ कहाँ, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो उस वास्ते फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपना घर देखना तो पड़ता ही है। और यहाँ भी पानी भर लूँगी, और फिर ये मशीन का ढक्कन जो है ना ये साफ़ कर रही हूँ, ये पटड़ी हटा के रखूँगी, और थोड़ा सा सामान है यहाँ से वो सब हटाया है, और अभी मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, चौकी साफ़ करी। मैं बोल रही हूँ कायरव बाबू को चलो नहा लो, चप्पल पहन के आओ, तो बाबू मेरे एक बार के बोलते ही चप्पल पहनने चल दिए। अब कल से रट लगाई हुई है, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। मैंने कहा बेटा दो दिन रुको, स्कूल लेके जाऊंगी, अभी एडमिशन करवाना है इसका, तो उसमें भी थोड़ा खर्च होगा, एकदम कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ, देखती हूँ बेटा कराऊँगी। और स्कूल जो है ना ओपन हो चुके हैं, अब निकोल गेट लेने के लिए आई है। वैसे तो 27 तारीख से खुल चुके थे इनके स्कूल, पर 1 तारीख से गाड़ियाँ आनी स्टार्ट हो गई है इनकी, तो अभी सॉरी 1 का शायद संडे था या 2 का था, मुझे सही तरीके से ध्यान नहीं है, पर 1 तारीख से इनके स्कूल ओपन हो गए, तो अभी जाना चाहिए, फिर पढ़ाई छूट जाती है, लेट हो जाते हैं बच्चे, इनका वर्क लेट हो जाएगा। और यहाँ पे बाबूजी जो है ना रेडी है एकदम, मुझे नहाना है, अपने आप अपनी पैंटी तो अपने आप उतार लेता है, और ये बनियान नहीं उतारा जाता, तो मम्मी ये उतार दो मेरा, मुझे नहाना है। मैंने कहा 2 मिनट रुको बेटा, पहले ब्रूस करना है, तो कर लेता है, पर आज पता नहीं कैसे वाइट वाला कोलगेट देख के हिचक रहा, नहीं करना है नहीं करना है। मैंने कहा चलो मैं कराती हूँ, तो फिर बार बार इसको है ना ऐसे कर रहा, कभी ऐसे कर रहा, फिर मैंने कराना शुरू करा, इसको आदत हो जाएगी, स्कूल जाया करेगा तो डेली ब्रश करके जाएगा दोनों बहन भाई। और अभी मुझे थोड़ा यह है पता नहीं कैसे बैठेगा कैसे रहेगा, 1-2 दिन तो परेशान करेगा ही, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मैडमों को भी बोल लूँगी, मैं खुद भी एक आध बार जाना भी पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल बाबू नहा लिए हैं, और इनके सिर में मैंने लिवोन लगा दिया है, अवनी भी नहाने लग रही थी, उसके सर में भी लिवोन लगा दूँ। और मेरी बेटी अभी अपना थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम तो कर लेती है, बस मम्मी आप अपना काम कर लो मैं कर लूँगी। मैं अभी नहा ली और चोटी बना ली, और उसके बाद मैंने गोपाल जी को भी नहा दिया, फिर अभी मैं पूजा कर रही हूँ बाल गोपाल जी की। और अब पहुँच चुकी हूँ किचन में, जब जो दूध रात को आता है उसको पका के फ्रिज में रख देती हूँ, उसकी जो मलाई होती है वो निकाल लेती हूँ रोज़ की रोज़। देखो अभी 3 दिन की मलाई है ये कटोरी में, अब जैसे जैसे होती जाएगी आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर इस मलाई को है ना
बिलोना होता है जामन लगा के मुझे, थोड़ा बहुत घी निकल जाए कुछ। वैसे तो मोल का ही खाते हैं, घर का है ही नहीं इतना। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जी ली थी, मूली है और ये एक चकुंदर ली थी अपने लिए, मटर है और जो है ये अचार वाली मिर्च है। ये सारी चीज़ें मैंने ली है और मीठा कद्दू लिया है। अवनी को मीठा कद्दू बहुत पसंद है, चाहे रोज़ दे दो खाने में। मैं नहीं ले रही थी, मम्मी मीठा कद्दू लो मेरे लिए, मुझे मीठा कद्दू खाना है। मैंने कहा चलो हेलो माय फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। ब्लॉग तो मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, पर मैं जैसे कमेंट्स पढ़ रही थी आप लोगों की, बहुत सारी शिकायत है मुझे लेकर कि वीडियो में कुछ खास नहीं रहता। तो मैं सोची हूँ कि कुछ नया अलग कंटेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, कुछ नया दिखाना स्टार्ट करूँ। थोड़े से दिनों की समस्या थी मेरे सामने, अभी वो मेरी क्लियर होती जा रही है और थोड़ी सी हैं। कुछ दिन और मुझे थोड़ा अजीब चीज़ें होंगी, करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, जो भी कुछ है सब वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल जो है मैं अभी गोपाल जी के लिए पानी भर रही हूँ, तो फ़िलहाल गोपाल जी को पानी पियाते हैं। और मैं सोच रही हूँ, अभी क्लियर नहीं है और मुझे ना बच्चों के स्कूल भी जाना है, देखती हूँ या तो आज जाऊँगी या कल जाऊँगी। और कुछ बहुत सारी चीज़ें भी होनी बाकी है, अब सबकी बहुत टेंशन हो रही है मुझे, कैसे क्या कैसे मैनेज करूँगी, सब करना तो है ही। पर फिलहाल मैं अभी कहीं जा रही हूँ और बहुत आप लोग बहुत परेशान होंगे, मैं कुछ नहीं दिखाती तो कुछ सोच रही हूँ, बाकी समय पर छोड़ देते हैं। मैं ना यूँ खाने के लिए क्यों, मैं तो चाट खाऊंगा। क्या कहा? अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ कढ़ाई को साफ और मुझे शाम के खाने की तैयारी कर रही है। गई थी मैं मार्केट दो चार काम घर के ही करने के लिए, काफी देर मुझे वहाँ पर लग गई। पर ये चीज मैं ना भूल जाती हूँ और मार्केट जाके याद आती नहीं, फिर मतलब सोचती हूँ कि याद आ जा, फिर बहुत दिमाग लगाती हूँ याद नहीं आती। और फिर से वही बात हुई, एक यही चीज़ नहीं लाई जा रही, लाइटर लाऊंगी, लाइटर भी एक लत्ती लत्ती रह गई, अब माचिस लानी पड़ेगी दुकान से। हाँ जी आज खाने में हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी। तो अभी जो है मैं पनीर के थोड़े से पीसेस जो हैं वो काट लूँगी बारीक बारीक, ज़्यादा मतलब मोटे मोटे नहीं काटूँगी, बारीक बारीक ही काटूँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी बस, जो एक टाइम का पूरा पड़ जाए, अगले टाइम कुछ और बनाएंगे। और बच्चों की बहुत फरमाइश थी कि मम्मी पनीर की सब्जी बनाओ, मैंने कहा चलो बनाती हूँ। मम्मी यहाँ बटर खोल रही है, इतना बड़ा बटर, अभी यहाँ पर मैंने इसमें प्याज डाल दिया और जैसे ही हमारी प्याज भुन जाएगी हम इसमें टमाटर मटर डाल देंगे। मैंने टमाटर की थ्योरी नहीं बनाई, बस ऐसे ही काट के डाल दिए बारीक बारीक, और मटर भी नहीं उबाली ऐसे ही डाल दिए, बहुत लोग उबाल कर डालते हैं। यहाँ पर अभी मसाले डालने शुरू कर देती हूँ, मैं हल्के कम मसाले की ही सब्जी बनाऊँगी। अभी यहाँ पर मैंने इसमें मटर टमाटर डाल के रखे हुए हैं, इनको अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया जिससे ये अच्छे से थोड़ा गल जाए। और अभी जो है ना मैंने जैसे ही मेरे मटर टमाटर हल्के से गले और मैंने इसमें ना पनीर डाल दिया, मैं मलाई वगैरह दही वगैरह डाल के नहीं बना ली, बिल्कुल नॉर्मल पनीर बना रही हूँ, मसाले बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा इस्तेमाल में ले रही मैं।
नमक तो देखो भी स्वाद अनुसार रहता है, मिर्च बहुत हल्की डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को नुकसान देती है, वो नहीं खाते। मैं भी बहुत कम खाने लगी हूँ क्योंकि मिर्च जो है ज़्यादा तेजाब बनाती है, ज़्यादा तीखी चीज़ें बंद कर दी। पनीर अभी हमारा बन चुका है और जो है चावल भी बन चुके हैं, चावलों का मांड निकाल रही हूँ। अब नहीं बोल रही मम्मी चावल ही बना लो, चावल खाएंगे पनीर के साथ में, रोटी नहीं खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है तो चावल ही बना लेती हूँ। और मैं अभी इनका मांड निकाल रही थी, बस मांड निकालने के बाद मैं बच्चों को भी खाना डाल के दे दूँ। और कुछ सलाद भी मैंने काटी हुई है, सलाद काट ली है, पनीर की सब्जी है और चावल है, तो चावलों का मांड निकाल लिया है। आ जाइए आप सब भी खाने के लिए, बच्चों के लिए प्लेट लगा दी, भूख का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है बच्चों को, तो सबसे पहले आप भी आ जाइए। और आप सबसे पहले कान्हा जी का भोग मैंने अलग निकाल दिया क्योंकि पनीर में तो प्याज है, तो मैंने चावलों के लाल चीनी या बूरा डाल के दे देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब बच्चों की पढ़ाई पर, खाने पर, पहनने पर पूरा ध्यान देना है, उनका खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा खाना। एक बात तो है, अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चों का अच्छा खाना मिलेगा तो थोड़ी सी उनकी तंदुरुस्ती भी ठीक होगी, दिमाग भी फ्रेश रहेगा और पेट भर खाना। अगर हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, वही हम पेट भर ना खाएं कि हमें पसंद ना हो उस खाने को हम खा रहे हो, तो मन से ऊपर ले, मन से खा रहे, मन ऊपर आए उसको खाने में। आप लोग बोलते भी कुछ बनाते नहीं, कुछ खुवाते नहीं बच्चों को, हमने बच्चों के खाने पर, पढ़ाई पर, पहनने की तो एक बार निप जाएगी, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मुझे। अब टाइम है इनके पढ़ाने का, अभी स्कूल ओपन हो चुके हैं, अब की बार कायरव भी जाएगा, मैंने बताई है ना, तो आज कायरव के लिए सोच रही हूँ कि स्कूल जाऊँ। बाकी जाऊँगी तो आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर किया जाएगा। इसका एडमिशन करवाना बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम हो गया, ऐसे बड़ा हो गया है, कब तक ऐसे ही रहेगा। चलिए फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और सब पूछे थे कि किसकी लड़की है, चाचा की लड़की है वो मेरी, जिसका केका हमने दिया है, हमने क्या, मैंने क्या, मतलब भैया भाभी ने दिया है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।